हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज की ये वीडियो गूगल शीट को लेकर के बना रहा हूँ। और गूगल शीट में ये देखिए एक छोटा सा डेटा मैंने रखा है, कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं और फिर यहाँ पर मार्क्स के आधार पर उनको फी में कुछ कंसेशन दिया गया है, वो डिस्काउंट यहाँ पे रख दिया है। इसे बोल्ड कर देता हूँ। अब ये देख सकते हैं ये दो ही आंकड़े हमारे पास हैं अभी, ठीक है। आप चाहे तो इसके बेस पे और भी काम कर सकते हैं। यहां से पहले इस पे बॉर्डर्स मैं क्रिएट कर लेता हूँ। तो ये इस तरीके से अब हम चाहते हैं इसको शॉर्ट करना, तो एक्सेल में शॉर्टिंग के लिए कोई फॉर्मूला तो कम से कम नहीं दिया होता है। यहां पर शॉर्टिंग के लिए आपको फॉर्मूला भी मिल जाता है। जी हाँ दोस्तों, यहां पर आप शॉर्टिंग फॉर्मूले की मदद से कर सकते हैं। तो चलिए ये देखते हैं ये फॉर्मूला हम कैसे यूज करेंगे, कैसे काम करेगा ये। तो सबसे पहले क्या करता हूं, यहां पर फॉर्मूला यूज करता हूं, इज इक्वल टू लगाता हूं, ठीक है। और यहां पर लिखता हूं शॉर्ट, एस ओ आर टी लिखा। तो देखिए यहाँ शॉर्ट आने लगा है, एक फॉर्मूला शॉर्ट एन नाम से भी आ रहा है, लेकिन अभी हमें शॉर्ट देखना है। तो यहाँ टैब प्रेस कर दिया, अब ये ब्रैकेट अपने आप लग जाएगा टैब प्रेस करने से। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद फिर किसको शॉर्ट करना है वो आप सिलेक्शन में ले लीजिए। जैसे मान लीजिए इस टेबल को हमें, ये जो डेटा लिखा हुआ है, इस पूरे डेटा को मैं सिलेक्शन में ले लेता हूं, इसी को हमें शॉर्ट करना है। शॉर्ट का मतलब क्या होता है, या तो आप ए से जेड के क्रम में कर दीजिए, असेंडिंग ऑर्डर में कर दीजिए, या डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दीजिए, ठीक है। आप कस्टम शॉर्ट भी कर सकते हैं। फिलहाल मैंने ये पूरा डेटा सिलेक्शन में लिया हुआ है, अब इसको क्लोज करता हूं और एंटर प्रेस करता हूं। तो जैसे ही मैंने एंटर प्रेस करा तो यहां पे देख सकते हैं पूरा का पूरा डेटा शॉर्ट हो गया। थोड़ा हट करके अब डेटा शॉर्टिंग करते हैं, ठीक है। अब यहां पे देख सकते हैं प्रोडक्ट का नेम, प्राइस, यूनिट और टोटल मैंने दिया हुआ है। यहाँ पे प्राइस में रुपीज का सिंबल नहीं आ रहा है, ये सिंबल कैसे आएगा। यहाँ पर इस पूरे डेटा को ले लीजिए आप सिलेक्शन में, ऐसे सिलेक्शन में ले लिया आपने। अब हम चाहते हैं कि प्राइस का भी सिंबल आए, तो यहाँ नंबर पे चले जाइए और यहाँ पर आपको मिल जाता है फॉर्मेट जहां से आप करेंसी का सिंबल ले सकते हैं। तो करेंसी राउंडेड मैं कर देता हूँ। तो जैसे ही मैंने किया तो यहाँ डॉलर आने लगा, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें इंडिया का सिंबल चाहिए, इंडियन सिंबल चाहिए। तो यहाँ पे वापस चलता हूँ और यहां से नंबर पे आता हूं, फिर ये करेंसी जो हमने लिया यहां पर आता हूं और फिर यहां पे नीचे देखते हैं आप इंडियन रुपीस दिया हुआ है, यहां पर आप क्लिक कर दें तो ये इंडियन रुपीस के फॉर्मेट में आ जाएगा। अब यहां पे यूनिट की बात कर लेते हैं। तो यहां पे यूनिट, जैसे मान लीजिए यहां पे 6 यूनिट बिकी इसकी, इसी तरह से करके अलग अलग यूनिट्स में रख लेता हूं, ठीक है। और ये डेटा हमने कर लिया फिल, ठीक है। अब यहां पर हमें टोटल करना, टोटल करने के लिए आपको इज इक्वल टू और मल्टीप्लाई कर देना होगा। इसको यहां पर क्लिक कीजिए, यानी एक कीबोर्ड की कीमत 200 रुपए है। यहां पे आ गया इसका सेल एड्रेस। सेल एड्रेस मैंने एक्सेल में पूरा डिटेल में समझाया है और लिब्रा ऑफिस में भी समझाया है कि कैसे ये सेल एड्रेस क्या होता है। तो यहाँ B3 आ गया, अब इंटू का साइन लगाया और यहां पर 6 को कर दिया मल्टीप्लाई और एंटर प्रेस कर दिया। जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो हमारा टोटल आ जाएगा और इसके नीचे देख सकते हैं ये लिखा हुआ है ऑटोफिल, सजेस्टेड ऑटोफिल। तो ये सब नीचे दिख रहा है लेकिन ये हाईलाइट मोड में नहीं है। यहां पर आप टिक कर दें तो ये पूरा हाईलाइट हो जाएगा और ये सारी डिटेल यहां पे हमारे पास आ जाएगी आसानी के साथ, ठीक है। अब देख सकते हैं यहां पे रुपीस का सिंबल भी लगा हुआ है। अब शॉर्टिंग की बात करते हैं, ठीक है। तो यहां पर आ जाता हूं और एक काम कर लेता हूं, ये हेडिंग जो है इसे मैं कॉपी कर लेता हूं यहां से। यहां पर कॉपी किया और यहां पर पेस्ट करता हूं यहां पर, ठीक है। तो ये हमने पेस्ट भी कर लिया कंट्रोल वी से, ठीक है। अब यहां पर हमें शॉर्टिंग यूज करनी है, ठीक है। तो यहां पे शॉर्टिंग के लिए फॉर्मूला हम लगा रहे थे, तो एस ओ आर टी शॉर्ट का फॉर्मूला लगा रहे थे ना, तो ये लगा लिया हमने। अब हम चाहते हैं कि ये पूरा डेटा शॉर्ट हो जाए, तो ये पूरा डेटा ले लिया हमने। अब हम चाहते हैं कि कॉलम नंबर 1 के आधार पर शॉर्ट हो और यहां पर ट्रू लगा दिया हमने, ठीक है। और इसको क्लोज कर दिया और एंटर प्रेस कर दिया। तो अभी देख पाएंगे कि कॉलम नंबर इसी के आधार पे ये शॉर्टिंग हुई है। ये देखिए यहां पे मैंने क्या दिया है, कॉलम नंबर 1 दिया है, तो कॉलम नंबर 1 यही तो है और इसी के आधार पे शॉर्टिंग हो गई, उसके आधार पे सारे रिजल्ट्स बदल गए। तो ये फॉर्मूले का यूज करके आप शॉर्टिंग कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ, ठीक है। इसी तरह से जैसे मान लीजिए इस फॉर्मूले को मैं एडिट करता हूं F2 प्रेस करके, F2 प्रेस करके आप फॉर्मूले को एडिट कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए यहां पर आप चाहते हैं कि कॉलम नंबर 2 के आधार पर शॉर्टिंग हो, तो ये देखिए आप ध्यान दीजिएगा 2 के आधार पर ये शॉर्टिंग हो गई और अब यहां पे 120 रुपए आ रहा है, ठीक है। 2 के आधार पे शॉर्टिंग हुई। देखिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे अगर आप शॉर्टिंग करना चाहते हैं तो ये यहां से कर सकते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे, देखिए फॉर्मूला लगा हुआ है, आप अगर कॉलम 1 चूज करते हैं तो यहां पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में शॉर्टिंग हो जाएगी। देखिए ए तो है नहीं इसमें कहीं, अगर मान लीजिए अगर मैं यहां पर एप्पल का आईफोन रख देता हूं, जैसे मान लीजिए ये कर दिया हमने,
ऑप्शन में लेकर के यहाँ भी बॉर्डर बना लेता हूं, तो ये ऐसे किया हमने और फिर यहाँ पे जाकर के एक बार बॉर्डर बना लेता हूं, तो ये इस तरह से हो गया। अब देख सकते हैं यहाँ पे एप्पल का आईफोन भी है, इसकी शॉर्टिंग कैसे करें, तो यहां पर आता हूं, सेम वही फॉर्मूला SORT शॉर्ट कर लिया हमने, और अब यहां पर इसको सिलेक्शन में ले लिया, पूरे डेटा को सिलेक्शन में ले लिया, ठीक है, एक्सेप्ट टाइटल, टाइटल नहीं लेना है, कॉमा दिया, फिर अब हम चाहते हैं कि कॉलम नंबर वन के आधार पर शॉर्टिंग हो, और यहां पर कर देता हूं ट्रू, ठीक है, ट्रू कर दिया, अब इसको क्लोज करूंगा, एंटर प्रेस करूंगा, तो ये देखिए कॉलम नंबर वन, अब एप्पल का ए से शॉर्टिंग हुई है कि नहीं, ए से हुई है ना, ये देख सकते हैं आप, इसी तरह से करके आप शॉर्टिंग कर सकते हैं बहुत ही इजीली। उम्मीद करता हूं इससे कंफ्यूजन जरूर दूर होगी आपकी, आपको जरूर हेल्प मिलेगी।